अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे जिसमें हम रिडक्स की मदद से लॉगिन कराएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इनिशियल टाइम पे लोडिंग यूजर टोकन और एरर की स्टेट है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जैसे लॉगिन हो तो इस डेटा को फुलफिल कराना है। साथ ही में हम क्या करेंगे, रिडक्स एक्शन का यूज करेंगे और उसकी मदद से फिर स्टेट को अपडेट करेंगे, जैसे कि पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्ट, जो भी वैल्यूज हैं, जो भी हमारे एपीआई कॉल पर रिस्पॉन्स रिसीव होता है तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं एक्शन की मदद से। तो एक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो रिडक्स के अंदर फीचर्स, फीचर्स के अंदर जो ऑथ का फोल्डर है उसमें हमारे पास अभी सिर्फ ऑथ स्लाइस की फाइल है। इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे ऑथ एक्शन के नाम से। तो सेम नाम आप रख सकते हैं, ऑथ एक्शन डॉट जेएस। और इसमें हम क्या करेंगे, एसिंक थंक फंक्शन का यूज कर लेंगे जिसकी मदद से हम एक फंक्शन यहाँ पर बना देंगे। कौन सा फंक्शन, अभी लॉगिन के लिए देख रहे हैं इसीलिए हम क्या करेंगे, लॉगिन एक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट क्रिएट एसिंक थंक फ्रॉम @redux.js/toolkit, इसमें से आपको इसको इम्पोर्ट करना है। इसकी मदद से आप यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, फिर वेरिएबल कॉन्स्ट, और फिर उस वेरिएबल के अंदर आप जो है एक्शन को स्टोर करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ यूजर लॉगिन इक्वल टू, फिर क्रिएट एसिंक थंक का हम यूज करेंगे, ये रहेगा फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नेम दे देंगे जैसे कि ऑथ स्लैश, फिर ये लॉगिन के लिए है इसीलिए हम लॉगिन लिखेंगे। तो ये हमारे एक्शन का नाम हो गया, तो ये हमारे एक्शन का नाम हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो नॉर्मल फंक्शन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ पर एसिंक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो आपको लिखना है एसिंक, उसके बाद में एरो, उसके बाद में पैरेंथेसिस, जो कि नॉर्मल आप एरो फंक्शन यूज करते हैं सेम चीज आप यहाँ पर यूज करेंगे। और इस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ चीजें यूजर से एक्सपेक्ट करेंगे जैसे कि रोल मिलेगा हमको, उसके बाद में यूजर हमको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करेगा, उसके साथ में पासवर्ड भी हमको मिलेगा। तो ये तीनों चीजें हम एक्सेस करने वाले, साथ ही में हम क्या करेंगे, एक और चीज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, रिजेक्ट विथ वैल्यू। तो जो भी एरर केस आएगा ना उसको हम इसमें हैंडल कर लेंगे, रिजेक्ट विथ वैल्यू, जो कि आपको बाई डिफॉल्ट एसिंक थंक के साथ में मिलता है। अब इसके अंदर आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, और कैच के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनली जो है एरर को चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कस्टम अगर एरर आपके पास है, अभी तो हमारे केस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे यहाँ पर कस्टम एरर को भी हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे आपको एरर ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है एरर, और एरर के अंदर अगर कोई रिस्पॉन्स है तो उसको हम चेक कर लेंगे। तो आपको लिखना है एरर रिस्पॉन्स, और एंड की कंडीशन मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज जो आता है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे एरर डॉट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर डेटा होता है और डेटा के अंदर होता है मैसेज, तो इसको हम चेकआउट करने वाले हैं। और यहाँ पर कंडीशनली जो है उसको रिटर्न करा सकते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न लिख सकते हैं, रिटर्न, फिर हम क्या करेंगे, रिजेक्ट विथ वैल्यू का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपको लिखना है रिजेक्ट विथ वैल्यू, और इसके अंदर उसको पास करा देंगे किसको, जो भी एरर है उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स क्या में रहता है, वो रहता है डेटा में, और डेटा के अंदर हमारे पास होता है मैसेज, तो इसको हम रिटर्न करा सकते हैं अगर मिलता है, नहीं तो हम क्या करेंगे एल्स की कंडीशन ऐड कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे डायरेक्टली रिजेक्ट विथ वैल्यू, और उसके अंदर एरर मैसेज को यहाँ पर पास करा देंगे, जो भी एरर का मैसेज है वो यहाँ पर प्रिंट करा दो। अब हमारे पास बचता है ट्राई में, जो कि हमारे पास सक्सेस केस रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी एपीआई पे जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो यहाँ पे आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स के नाम से कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो है एपीआई के अंदर जितना भी डेटा है उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर डेटा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन एसिंक है, और इसके बाद में एक्सियोस कॉल आपको यहाँ पर करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एपीआई का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने इंटरसेप्टर बनाया था ना, यहाँ पर जो एपीआई बना के रखी है इसका हम यूज कर सकते हैं, और इसकी मदद से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक्सियोस कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको इम्पोर्ट भी करिए, आपको लिखना है एपीआई, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर ये फाइल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। और उसके बाद में आप लिखेंगे डॉट, तो सेम मेथड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसमें हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, और उसके अंदर सबसे पहले रहता है हमारे पास यूआरएल, और इसमें हम क्या करेंगे, लिख लेंगे स्लैश और स्लैश लॉगिन। तो ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, इस पे हमको रिक्वेस्ट भेजना है और साथ ही में डेटा को भी पास कराना है। कौन सा डेटा, ये जो डेटा हम यहाँ पर यूजर से लेंगे, रोल, ईमेल, पासवर्ड, सेम चीज हम क्या करेंगे इसको पास करा देंगे। तो इसी को आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करिए, और एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपको इसमें पास करा देना है। अब जैसे ये पास हो जाएगा, इसके बाद में क्या है, हमारे पास टोकन भी जनरेट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर कर लेंगे टोकन को, कमेंट बना देता हूँ मैं, स्टोर टोकन, और इसको लोकल स्टोरेज में सेव करा देंगे। सबसे पहले आपको एक कंडीशन बनाना है, इफ डेटा डॉट सक्सेस
अगर ये सक्सेस होता है तभी क्या करो, टोकन को लोकल स्टोरेज में सेव कराओ, वरना हम क्या करेंगे डायरेक्टली जो है रिटर्न कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, कौन से आइटम को सेट करेंगे हम, यहाँ पे आपको लिखना है टोकन नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डेटा के अंदर हमारे पास रहेगा टोकन जो कि कंट्रोलर में हमने बनाया था, उसको हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज में सेव करा रहे हैं। और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टोस्ट नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो उसके लिए एक पैकेज आता है रिएक्ट टोस्ट, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, गूगल पे या फिर npm js पे चलते हैं, npmjs.com, और यहाँ पे सिंपल आप टोस्ट भी लिख के सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सॉरी, ये है टोस्ट। तो यहाँ पर सेकंड वाला देख सकते हैं आप, रिएक्ट टोस्टिफाई, इस पर क्लिक करिए, इसका हम यूज कर लेंगे। सबसे पहले आपको इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड टर्मिनल का यूज करना है और इसको क्लाइंट के अंदर इंस्टॉल करना है, यानी रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर। तो cd क्लाइंट आप लिखेंगे और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे npm i react toastify, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। तो ये पैकेज आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा सा पैकेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये पैकेज डाउनलोड हो चुका है, मैं टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। और हम क्या करेंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन एक बार देख लेंगे। नीचे स्क्रॉल करिए कैसे इसको यूज करना है, इसका एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसकी CSS की फाइल को इम्पोर्ट करना है और साथ ही में कंटेनर को भी इम्पोर्ट करना है। तो दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऐप डॉट जे एस में इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इम्पोर्ट कर देता हूँ और टोस्ट अभी नहीं चाहिए, टोस्ट को रिमूव कर लेता हूँ, कंटेनर का यूज करेंगे। इस कंटेनर को हम क्या करेंगे, राउट्स के ऊपर एज अ कस्टम HTML एलिमेंट की तरह या JSX एलिमेंट की तरह हम यूज करेंगे। सेल्फ क्लोजिंग टैग सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर तो ये ऐड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, टोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, टोस्ट अगर यूज करना है तो डायरेक्टली आप इस टोस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं और उसके अंदर मैसेज को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले टोस्ट को इम्पोर्ट भी करना है, वापस से इम्पोर्ट स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, ऑथ एक्शन के अंदर इसको इम्पोर्ट कर देंगे। और कंटेनर हमने ऑलरेडी ऐप डॉट जे एस में इम्पोर्ट करके रखा है तो यहाँ पे हमको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब लोकल स्टोरेज में जैसे डेटा जाएगा ना तो इस टोस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोस्ट डॉट सक्सेस, सक्सेस में ये थोड़ा सा ग्रीन में शो करता है, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखिए, उसमें आपको काफी कुछ देखने मिल जाएगा। अब इसके अंदर मैसेज कौन सा ऐड करेंगे हम, जो भी हमारे पास डेटा के अंदर मैसेज है हमने बनाया था ना, एक बार मैं आपको बता देता हूँ अगर आप भूल गए होंगे तो। ऑथ कंट्रोलर के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर हमारे पास था लॉग इन कंट्रोलर, देख सकते हैं आप, ये है लॉग इन कंट्रोलर। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए, अगर सक्सेस ट्रू है तो इसमें हमारे पास एक मैसेज का प्रॉपर्टी है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा डॉट मैसेज, सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा यहाँ पर एक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इस एक्शन को हमको स्लाइस के अंदर हैंडल करना पड़ता है, ये जो एक्स्ट्रा रिड्यूसर है ना इसमें हम उसको हैंडल कर सकते हैं डायरेक्टली। पहले हम क्या करते थे, एरे के फॉर्म में लिखते थे जो कि अभी डेप्रिकेटेड है, तो इसके बदले हमको जो है बिल्डर का यूज करना पड़ता है। तो बिल्डर कैसे यूज करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर बिल्डर को एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कराते हैं और इसकी मदद से फिर हम क्या करते हैं, स्टेट को मैनेज करते हैं। कौन सी स्टेट को मैनेज करेंगे, ये जो भी हमारे पास इनिशियल स्टेट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डर, बिल्डर की मदद से आप जो है केस को ऐड कर सकते हैं। तो बिल्डर, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन मिलता है ऐड केस, और इस केस के अंदर उसका नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में क्या है, हम यहाँ पर यूजर लॉगिन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये यूजर लॉगिन कहाँ से आएगा, ये जो एक्शन हमने बनाया है देख सकते हैं आप, इसको हमने एक्सपोर्ट भी किया हुआ है और इसका नाम है यूजर लॉगिन, तो इसका हमको इस्तेमाल करना है। इस फाइल को आप इम्पोर्ट भी करिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, इतना लिख के कंट्रोल स्पेस करिए, आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएंगी। अब इसके अंदर भी हमारे पास तीन स्टेट होती है, देख सकते हैं आप, इसमें हमारे पास मेन होता है फुलफिल, फिर उसके बाद में होता है पेंडिंग। इनिशियल टाइम पे जो है पेंडिंग स्टेट रहेंगी, इसलिए हम पेंडिंग यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन होता है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर हमारे पास होती है स्टेट, कौन सी स्टेट, जो भी इनिशियल स्टेट आपके पास है तो उसको आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे स्टेट और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे जो है स्टेट को मैनिपुलेट करता हूँ, स्टेट डॉट लोडिंग, जो भी लोडिंग स्टेट है अगर पेंडिंग में जा रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसको ट्रू कर देंगे। और जो भी एरर की स्टेट है, क्योंकि हमने यहाँ पर एरर के लिए भी सेपरेट बना के रखा है ना, तो उसको भी हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेट डॉट एरर और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नल कर देंगे, इनिशियल टाइम पे ये नल रहेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। इसके बाद में हमारे पास होता है सक्सेस केस, उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगेन आपको एक और केस बनाना है, यहाँ पे आप लिखेंगे बिल्डर डॉट एड केस और इसके अंदर फिर उस केस का नाम लिखेंगे, जैसे कि हम अगेन यूजर लॉगिन को टारगेट करेंगे, यूजर लॉगिन डॉट फुलफिल,
यानी सक्सेस केस हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास रहेगा स्टेट। अब फुलफिल होगा तो हमारे पास इसमें पेलोड भी रहेगा। पेलोड मतलब क्या है, जो भी ये डेटा रिटर्न करेगा उसको हम कहते हैं पेलोड। तो उसको एज अ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करा देंगे पेलोड, और इसकी मदद से हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट को टारगेट करेंगे स्टेट डॉट लोडिंग, इसको कर देंगे हम यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि हमारे पास डेटा आ रहा है तो पेंडिंग स्टेट रखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेट की मदद से यूजर को टारगेट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेट डॉट यूजर, और जो भी पेलोड में हमारे पास यूजर रहेगा उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। तो आपको लिखना है पेलोड डॉट यूजर। अब ये यूजर कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारे कंट्रोलर में से, जो चीजें हम रिटर्न कर रहे हैं। देख सकते हैं यूजर को रिटर्न कर रहे हैं और टोकन को, तो दोनों चीजों को हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, और डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं इसको रिडक्स की मदद से फुलफिल करा रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोकन को भी डील कर लेंगे। सो स्टेट डॉट टोकन, इसको भी क्या करेंगे हम यहाँ पर पेलोड की मदद से सेट करा देंगे। पेलोड डॉट टोकन सेम नाम है इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपके कंट्रोलर फाइल में जो भी नाम है आप वही यूज करिए, तभी ये काम करेगा। ये हो गया हमारा सेकेंड केस। अब थर्ड केस हम क्या करेंगे, रिजेक्ट के लिए भी बना लेंगे, क्योंकि एरर भी आ सकता है ना, जरूरी नहीं है हमारी एपीआई सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पर उसको भी हैंडल कर लेंगे। बिल्डर डॉट एड केस, और इसके बाद में अगेन यूजर लॉग इन को टारगेट करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास रहेंगी रिजेक्टेड की रिक्वेस्ट, और इसमें भी आपको कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर भी आप स्टेट को जो है डील करेंगे। सो आपको लिखना है स्टेट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, स्टेट, और इसमें भी हमारे पास पेलोड रहेगा। क्यों पेलोड रहेगा, क्योंकि हमारे पास एरर केस भी है, इसीलिए हम जो है पेलोड का यूज कर सकते हैं, और एरर की स्टेट को भी यहाँ पर जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेट को टारगेट करेंगे, और जो भी लोडिंग है उसको एरर केस में भी जो है फॉल्स कर देंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर एरर को टारगेट कर देंगे स्टेट डॉट एरर, और इसको जो भी पेलोड है उससे फुलफिल करा देंगे। पेलोड में जो भी चीजें हैं उससे ये फुलफिल हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा एक्शन सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्पैच कर सकते हैं। कैसे डिस्पैच करेंगे, हमारे पास जो है ऑथ सर्विस था, इसके अंदर हमारे पास सेपरेट सेपरेट फंक्शन है। देख सकते हैं आप टॉप पे हमारे पास लॉग इन है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसको यूज करना है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो फाइल है ऑथ सर्विस की वो रिएक्ट का कंपोनेंट नहीं है, तो हम यूज सेलेक्टर हुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें डायरेक्टली। तो उसके बदले हम क्या करेंगे, स्टोर की मदद से डिस्पैच करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टोर की फाइल को इम्पोर्ट करना है, क्योंकि डायरेक्टली हम इसमें यूज नहीं कर सकते, ये सेपरेट हमने अलग से एक फाइल बना के रखी है जो कि प्योर जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अगर ये रिएक्ट का कंपोनेंट रह रहा तो हम क्या कर सकते थे, यूज सेलेक्टर और यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इसमें हमारे पास ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है, हमको क्या करना है डायरेक्टली स्टोर की मदद से यहाँ पर डिस्पैच करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इम्पोर्ट करना है स्टोर को, इम्पोर्ट स्टोर फ्रॉम, फिर यहाँ पे आपको पाथ दे देना है डॉट डॉट स्लैश, फिर उसके बाद में हमारे पास है रिडक्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है स्टोर की फाइल। अब इस स्टोर की मदद से हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। कैसे डिस्पैच करेंगे, यहाँ पर हम कंसोल कर रहे थे तो कंसोल को मैं रिमूव कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसका कैच या फिर ट्राई कैच में से इसको भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा लॉजिक अब एक्शन के अंदर है, मैं फिलहाल रहने देता हूँ सेफ्टी साइड के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर का इस्तेमाल करेंगे, आपको लिखना है स्टोर, और उसके बाद में जैसे आप डॉट चेन करेंगे ना, तो देखिए आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर सेम जैसे आप जो है यूज डिस्पैच की मदद से करते थे, वही चीजें आपको यहाँ से डायरेक्टली भी एक्सेसिबल रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, डिस्पैच का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डिस्पैच के अंदर आपको क्या करना है, यूजर एक्शन को कॉल करना है। तो आप लिखेंगे यूजर लॉग इन, जो हमने नाम बनाया था ना अभी एक्शन के अंदर यूजर लॉग इन, उसको आपको इम्पोर्ट भी करना है। अगर सजेशन शो कर रहा है इस पर क्लिक करिए, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये इम्पोर्ट हो गया, इसके अंदर हमको क्या करना है, ईमेल पासवर्ड और रोल को पास कराना है। ये जो चीजें हम गेट कर रहे हैं ना, इसको हमको पास कराना है। तो एज अ ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने डेटा को भी पास करा दिया है, अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। पहले शुरू देख लेते हैं एप्लीकेशन रनिंग है या नहीं, या कोई एरर है अपने पास। तो देखिए एप्लीकेशन स्टिल रनिंग है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको एक बार, कोई भी अभी हमारे पास एरर नहीं है। और आई थिंक मैंने इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक भी की थी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए क्लाइंट की डॉट ई एन वी की फाइल, और इसमें देखिए यहाँ पर है लोकल होस्ट, हो गया ना, ये है होस्ट। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद आपको सर्वर को रिस्टार्ट करना है, तो मैं सर्वर को यहाँ से क्लोज करके फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ npm run dev, क्योंकि डॉट ई एन वी की फाइल और पैकेजेशन के फाइल में जब भी चेंजेस करेंगे हमको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। अब हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो रही है, और मैं इसको न्यू वाले को क्लोज कर देता हूँ, पहले से ऑलरेडी अपने पास ओपन है, तो इसी टैब में मैं कंटिन्यू कर लूंगा। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉल्स ईमेल और
पासवर्ड इसमें ऐड करके देख लेंगे। तो कोई भी डमी सा मैं ऐड करके देखता हूँ कि हमको एरर मिलता है या नहीं। यहाँ पे मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक्शन बराबर से कॉल हुआ पेंडिंग और हमारी स्टेट भी आ गई रिजेक्टेड की और उसके अंदर एरर मैसेज भी शो कर रहा है, देख सकते हैं आप, इनवैलिड क्रीडेंशियल। तो सक्सेसफुली वैलिडेशन भी परफॉर्म हो रहा है और हमारी स्टेट सही से रिडक्स टूल किट की मदद से यहाँ पर अपडेट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू को ऐड करेंगे। तो डेटाबेस में से मैं क्या करता हूँ, इस ईमेल आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा techinfoyt@gmail.com, उसके बाद में पासवर्ड 123456 और मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अच्छा देखिए यहाँ पर पेलोड इज अनडिफाइंड आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार स्टेट को, ये है पेलोड। पेलोड तो सही है, एक बार मैं नेटवर्क टैब में भी देख लेता हूँ। यहाँ से नेटवर्क टैब ओपन करेंगे और लॉगिन की ये रिक्वेस्ट है ना, डेटा तो सब कुछ सही है, रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आ रहा है, अच्छा लॉगिन सक्सेस आ रहा है, देख सकते हैं आप। फिर क्यों हमारे पास ये एरर शो कर रहा है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको एक बार। पेलोड इज अनडिफाइन आ रहा है, ऑथ स्लाइस के अंदर ही बता रहा है ना, ऑथ स्लाइस, ये है पेलोड। स्टेट में हमारे पास है यूजर टोकन, ये है यूजर, ये है टोकन, पेलोड डॉट यूजर। हमने रिटर्न में देखिए डेटा ही रिटर्न किया था ना, एक बार चेक कर लेते। अच्छा हाँ, हमने डेटा को रिटर्न ही नहीं किया, देख सकते हैं आप, ये जो डेटा है ना, हमने सिर्फ एक कंडीशन यहाँ पे ऐड की और डेटा को रिटर्न करना भूल गए। तो आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर डेटा को रिटर्न कर ले, तभी ये काम करेगा, उसके बाद में ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी डेटा में जो भी वैल्यूज रहेंगे उसको एक्सेस करने के लिए हमको डेटा को रिटर्न करना पड़ता है। यहाँ पे हमने जो कंडीशन ऐड की थी वो सिर्फ लोकल स्टोरेज के लिए ऐड की थी। अगर हमारे पास डेटा सक्सेस होता है तब क्या करेंगे, हम लोकल स्टोरेज में डेटा को सेट कर देंगे, यानी टोकन जो भी आ रहा है ना उसको लोकल स्टोरेज में सेव करा रहे थे और उसके बाद में यहाँ पर हमको रिटर्न करना था। तो हमने अब यहाँ पर इसको रिटर्न कर दिया, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। और मैं रिडक्स डेव टूल जो है ओपन कर लेता हूँ, इनिशियली एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से जो है वैल्यूज को ऐड कर देंगे और ईमेल आईडी में फिर से डेटाबेस में से कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अब मैंने सही से वैल्यूज को ऐड कर दिया, यानी ईमेल वैलिड है और पासवर्ड भी वैलिड है। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए लॉगिन सक्सेस का टोस्ट नोटिफिकेशन भी आ रहा है और हमारी स्टेट भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, देख सकते हैं आप। ऑथेंटिकेशन में लोडिंग फॉल्स है और एक्शंस भी बराबर से यहाँ पर कॉल हो रहे हैं, पेंडिंग, फुलफिल। यूजर ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आ रहा है, उसमें हमारे पास यूजर की सारी डिटेल्स आ रही है। पासवर्ड भी शो कर रहा है, हम इसको हाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ वैल्यूज हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास टोकन भी है, देख सकते हैं टोकन भी बराबर से अपडेट हो रहा है और यहाँ पर एरर का केस भी बराबर से हैंडल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोकन के लिए भी एक कंडीशन ऐड कर देंगे स्लाइस के अंदर। ये जो हमारा ऑथ का स्लाइस है ना, इनिशियल टाइम पे हम क्या करेंगे, नल टोकन रिसीव करने से अच्छा है हम पहले यूजर के लोकल स्टोरेज में से टोकन को चेक कर लेंगे कि उसके पास टोकन पहले से अवेलेबल है या नहीं। उसको कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर देख लेंगे, कॉन्स्ट टोकन नाम से एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में से टोकन को गेट करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और उसका नाम हमने रखा है टोकन। अगर हमको टोकन मिलता है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसको गेट कर लेंगे और हमारे पास जो टोकन की स्टेट है उसको इससे रिप्लेस कर लेंगे। अगर टोकन मिलता है तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन सेम रखेंगे, लोकल स्टोरेज में से गेट कर लेंगे टोकन को, और एल्स की कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको नल कर देंगे। तो इनिशियली हम उसको नल कर रहे थे, उससे बेटर है कि हम क्या करेंगे, अब इस टोकन वेरिएबल की मदद से जो है इसको फुलफिल कराएंगे। अब की वैल्यू पेयर दोनों भी हमारे पास सेम हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वन टाइम ही लिख सकते हैं, तो दोनों का मतलब सेम रहेगा। की और वैल्यू सेम नाम से रखेंगे तो फिर आप उसको एक बार भी लिखेंगे तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसमें डेटा को भी मॉडिफाई कर सकते हैं ES6 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब हमारे पास जो है इनिशियल टाइम पे अगर यूजर के ब्राउजर में टोकन है तो फिर वो शो करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितना एक्सपायरी रखा था, मगर हमने यहाँ पर उसके लिए एक कंडीशन बना के रखी है, इनिशियली नल शो कराने से अच्छा है एक बार चेक कर लो लोकल स्टोरेज में टोकन है या नहीं। बाद में हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि वैलिड टोकन रहेगा तभी हम जो है इसको होम पेज पे या फिर डैशबोर्ड पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। अब आते हैं वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर इनिशियल टाइम पे हमारे पास टोकन है, क्योंकि हमने टोकन की वैलिडिटी आई थिंक वन डे रखी थी, इसीलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। सो आई होप आपको लॉगिन तो समझ में आ गया होगा कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं रिडक्स टूल किट की मदद से। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रजिस्टर देख लेंगे कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं रिडक्स टूल किट की मदद से।